जय नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप दिल्ली पुलिस के सभी योद्धाओं। आपके लिए सबके मन में संकोच था सर, हमारे पास समय कम है, कट ऑफ कितनी जाएगी, किस प्रकार तैयारी करें, सब की सब जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। बेसिक टू बेसिक, पुराने साल की कट ऑफ का क्या असर रहेगा इस साल की कट ऑफ पे, क्या इस बार कट ऑफ बढ़ेगी क्या घटेगी, ये सब जानकारी एक ही वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आपके मन में होगा सर फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, पिछली बार कट ऑफ का से कम या ज्यादा ये चीज होगी, फाइनल कट ऑफ में कैसे शामिल होंगे सर, कितने नंबर पे सेफ स्कोर कितना आएगी सर, कितने नंबर लाएगी हम सेफ है एकदम फाइनल मेरिट तक सेफ है ना कि फिजिकल के लिए। तो इन सब चीजों को जानने के लिए पहले हमें जाननी होगी पिछले वर्ष की जो कट ऑफ होगी, जो हमारे 2016 की कट ऑफ है। सर्वप्रथम देखे 2016 में तो अपनी वैकेंसी आई थी 4,500 के समथिंग थी, 4,500 से थोड़ी सी ऊपर वैकेंसी थी। उस टाइम क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा रोल रहता है कि नेगेटिव मार्किंग होते ही हम क्वेश्चन को कम अटेम्प्ट करते हैं और पूरा खेल ही चेंज हो जाता है। तो उसमें जनरल की जो कट ऑफ थी वो थी मेल की थी 77, ओबीसी की 76 थी, जनरल और ओबीसी की बराबर रही थी, एससी की 70 और एसटी की 74। एसटी की हमेशा ज्यादा रहती है एससी से, और फीमेल की कट ऑफ ये इस प्रकार है, आप देख सकते हो आराम से। फिर हम देखे आगे बढ़े, देखे तो 2019 में फिर वैकेंसी आई थी, वो आई थी सिर्फ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की आई थी, तो 554 वैकेंसी आई थी, वैकेंसी कम थी। उस टाइम क्या किया था, नेगेटिव मार्किंग इन्होंने चालू कर दी थी, तो कट ऑफ में थोड़ा सा कम हो गई थी। अब ये देखिए, इसमें देखिए जनरल की 79 रही थी, ओबीसी की 77 रही थी, एससी की, एसटी की, और ये फीमेल की, आप चारों ओर देख सकते हो। आप देख लेना एसटी की कट ऑफ हमेशा ओबीसी के बराबर ही रहती, थोड़ी बहुत कम रहती, एससी की थोड़ी कम रहती। ये सब देख लीजिए, फीमेल की मेल की, इनमें देख लीजिए कम से कम 7-8 नंबर का अंतर रहता है एससी और एसटी में। फिर हम देखे इन सब का कट ऑफ का बहुत कम असर रहता है इस साल की वैकेंसी पर। इस साल की वैकेंसी पर कट ऑफ पे सिर्फ किस चीज का असर रहेगा, वो रहेगा 2020 की जो अपनी वैकेंसी हुई थी दिल्ली पुलिस की, उस कट ऑफ का असर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि पुरानी कट ऑफ थी तो उस टाइप के पुराने बच्चे थे, क्वेश्चन अटेम्प्ट कम करते थे या जो पेपर पूरा करता था सिलेक्शन हो जाता। इस टाइम क्या हुआ, पेपर तो पूरा का पूरा अटेम्प्ट करते, टाइम के अकॉर्डिंग करता, उनका थोड़ा ज्यादा मेजरमेंट रहता है। तो 2020 में भी नेगेटिव मार्किंग थी, सब कुछ था, और 2020 में अपने वैकेंसी थी तो 6,000 के समथिंग वैकेंसी थी, और इनकी फाइनल कट ऑफ आप देख सकते हो। इस कट ऑफ का ही मेन ध्यान रखना, हम जनरल की थी 72 पॉइंट कुछ थी, ओबीसी की 68 पॉइंट कुछ थी, एससी की 57 पॉइंट कुछ थी, एसटी की 65 पॉइंट कुछ थी, और ईडब्ल्यूएस जनरल में से थोड़ा अलग करके एक कैटेगरी बनाई गई थी, उसकी रही थी 62। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाई थी तो इसके इसमें फॉर्म शामिल होने वाले, क्योंकि सर्टिफिकेट कईयों का बना नहीं था, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हल्की ओबीसी से डाउन गई। पर इसकी कट ऑफ 2023 में गारंटी देकर कहता हूं ओबीसी और इसकी कट ऑफ में कोई फर्क नहीं रहेगा, बराबर ही रहेगी। अब हम अगर माने तो ये कट ऑफ सर किस प्रकार डिपेंड करेगी, ये अपने 2023 की कट ऑफ मान लीजिए, 2023 की कट ऑफ है ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है, ना कि हम बता रहे हैं कि उससे एक नंबर ऊपर नहीं हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती। मैंने मैक्सिमम खींचा के ली है, इससे एक नंबर ऊपर तो बड़ी मुश्किल से पॉइंट में चली जाए तो अलग बात है, एक या दो नंबर नीचे ही रहेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आप देख लीजिए वैकेंसी, आपको पता है सबसे मेजरमेंट 7,500 से ऊपर वैकेंसी है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। इसमें एक चीज का है कि टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अपने जो है, क्वेश्चन अपने कितने हैं, 100 है, 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 90 मिनट है, मिनट का खेल है, मिनट कम है क्वेश्चन ज्यादा है, तो उस हिसाब से क्या करना होगा, क्या कैसे कवर करें 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को, वो आगे बात करेंगे, पहले हम कट ऑफ को जान लेते। तो हमारी जो एक्सेप्टेड कट ऑफ रह सकती है वो रहेगी जनरल की 79, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ओबीसी की 75 मान लीजिए मैक्सिमम, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बराबर रहेगी, क्यों, पिछली बार ईडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट क्या नहीं बना था भाई, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बना था, क्योंकि पिछली बार ही लागू किया था, अब सबके पास डॉक्यूमेंट है ईडब्ल्यूएस वालों के पास, तो वो आराम से शामिल हो जाएंगे। एससी की देखे तो 66 रही थी, एसटी की देखे तो एसटी की मैक्सिमम 71 से ज्यादा नहीं जाएगी, ओबीसी से हल्की सी कम रहेगी पर एससी से बहुत ज्यादा रहेगी। और इधर देखे फीमेल की, तो फीमेल की जनरल की रहेगी बेहतर, ओबीसी की रहेगी 67 और ईडब्ल्यूएस की 67 ही रहेगी, दोनों को बराबर रहेगी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बराबर रहेंगे। एससी की 57 रहेगी और एसटी की 62 रहेगी, एसटी की हमेशा ज्यादा रही एससी से, ये बात ध्यान रख लेना एसटी वाले बंदे और एससी वाले बंदे। ये आपके एक्सेप्टेड कट ऑफ है, मैक्सिमम कट ऑफ है। अब हम अगर चर्चा करें तो सर ये कट ऑफ बढ़ेगी पिछली बार से घटेगी, तो ये चीज डिपेंड करती है कि एग्जाम में बैठने वाले कौन कौन होते हैं। अगर देखिए कि अभी हमारे जो 2023 में जो एग्जाम हो चुके हैं भाई, एसएससी का, एमटीएस का हो चुका है, एसएससी सीजीएल का हो चुका है,
SSCHL का हो सका, CPO का है, जो ये इन 2022 या 23 में या 2021 में से इन पदों में से जो अपर लेवल की वैकेंसी इनमें से जो बाहर हुए वो बहुत बड़े खिलाड़ी है, अगर वो ज्यादा शामिल हो गए तो कट ऑफ चली जाएगी ऊपर, अगर नॉर्मल बंदे रहे तो कट ऑफ रह जाएगी नीचे। अब बंदा क्योंकि SSCHL वाले के लिए दिल्ली पुलिस कुछ नहीं है, अगर वो उस लेवल की तैयारी कर चुका है, एक दो नंबर SSCHL में रह गया, अगर वो दिल्ली पुलिस में बैठेगा तो वो इस चीज को क्या कर देगा, कट ऑफ को हाई कर देगा। वैसे वो ज्वाइन तो नहीं करेगा क्योंकि CGL की तैयारी कर रहा है, तो वो CGL को ही लेना पसंद करेगा, पर वो इसमें बैठ के इसकी पेपर की कट ऑफ को हाई कर सकता है, ये चांस बनेंगे। अब हमारे पास टाइम है कि सर 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, भाई कौन सी बुक पढ़नी होगी, कैसे करना होगा, आपको सभी को पता है, क्या पता है कि भाई जीके कितना आता है अपने, सर जीके आता हमारा 50 में नंबर का होता है और 50 ही होता है, जीके और जीएस, साइंस भी इसमें साथ में है, जीएस भी इसमें लिख दीजिए। और आपने मैथ कितनी आती है सर, मैथ हमारी आती है 15, रीजनिंग कितनी आती है सर, रीजनिंग हमारी आती है 25, और कंप्यूटर कितनी आती है सर, कंप्यूटर हमारी आती है 10 नंबर की। तो इन सब चीजों में क्या कितने कितने नंबर लाए तो हम सेफ स्कोर में, इसमें आप मानो तो 40 में मैक्सिमम बता रहा हूं, आपके 37 से 40 नंबर बन रहे हैं मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट से ही आपका टाइम बचेगा, आपका सब कुछ क्या होगा, मॉक टेस्ट ही आपका कमाल करेगा। और मैथ में कितने 15, तो आपको इसको 10 से 12 नंबर तो लाने पड़ेंगे भाई, 10 से कम तो काम ही नहीं बैठेगा, ये मान लीजिए। आपके रीजनिंग मान लीजिए, रीजनिंग के मैं 25 मानता हूं तो 20 प्लस हर बंदा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग थोड़ी सी आप समझ के करोगे हो जाएगी। इसके क्वेश्चन में मान लो 6 से 8 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो अच्छे से और लेके आ जाते हो, 6 से 8 क्वेश्चन मान लो, इससे ज्यादा माने ही नहीं, तो ये चीजें हैं, ये देखोगे तो आपके नंबर सर हमारे सबके 80 प्लस बन रहे हैं। तो इन चीज का ऐसा नहीं है कि 80 प्लस कोई चीज आपके रीजनिंग खराब हो गई, भाई मैथ अच्छी हो गई, रीजनिंग में 4 नंबर कम हो गए तो मैथ में बढ़िया स्कोर होगा, तो इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक पेपर खराब हो जाता 2-4 नंबर का, वो चीज है। अगर मैं आपको फिर से एक बार कट ऑफ पे ध्यान दिलाऊं, तो कट ऑफ पे ध्यान दिलाऊं तो इन सब चीजों को ओबीसी वाले और जनरल वाले ये क्या करें, मेल तो सबके सब कहां फोकस करें, 80 नंबर पे, 80 नंबर का इनका टारगेट बनाना है भाई, 75 से प्लस होना चाहिए, 80 प्लस हो तो सबसे बढ़िया है। और फीमेल का मैं मानूं तो आप मान लीजिए बेहतर, मान लीजिए बेहतर से 75 के बीच में, 75 पे ये सब के सब सेफ है, ओबीसी वाले तो वैसे भी सेफ है, जनरल वाली भी फीमेल सेफ हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस का देखें तो ईडब्ल्यूएस का भी यही सेम सिस्टम है जो कि जनरल और ओबीसी का है। अब एससी और एसटी का मेल का मैं बताऊं तो ये आप किस चीज पे फोकस करें, ये आपके करें 73 नंबर पे, इन नंबर पे फोकस कर ले भाई, 73 से तो एसटी वाले कम लाने की सोचे नहीं, और एससी वाले 73 ला सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनका 2-4 नंबर बढ़ भी सकती है। और इनको देखें तो इनको देखें तो ये 65 पे फोकस करें भाई, कम से कम इससे 10 नंबर कम नहीं करके 8 नंबर कम कर लीजिए, 65 पे एससी और एसटी की फीमेल कवर करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस सबकी जान होती है और सब इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, तो इसलिए ये चीज कट ऑफ पे ध्यान रखें। और आपको पता है पेपर में मैंने बता दिया इतना सेफ स्कोर करना है, और प्रेजेंट टाइम कट ऑफ कम जाने का एक चांस, भाई हाई जाने का तो बंदा है कि बंदे एक्सपीरियंस बंदे बैठ गए तो हाई जा सकती है, कम जाने की चांस ये है कि 5-6 राज्यों में वैकेंसी आ रखी है, प्रॉपर वैसे राजस्थान में आ रखी है, मध्य प्रदेश में आ रखी है, बिहार में आ रखी है, उत्तर प्रदेश में आ रखी, दिल्ली में आ रखी, इन सब की पुलिस वैकेंसी आ रखी, तो बंदे फंट रखे हैं, क्योंकि 2023 में और 2024 में बहुत ज्यादा वैकेंसी है, तो बंदे अलग-अलग फैक्टर में जा रहे हैं, कहीं सीजीएल में लग रहे हैं, कोई सीएचएसएल में लग रहे हैं, तो एसएससी की बहुत सारे फैक्टर हो चुके, तो वैकेंसी सबकी साथ में निकालिए, तो इसमें फॉरम से कम रहेंगे। आप अगर मैं एक बार फॉरम पे वापस जाऊं, हम 2020 की बात करें तो यहां 28 लाख फॉरम भरे गए थे, कितने 28 लाख फॉरम थे, और जबकि बंदे कितने थे, बंदे सिर्फ 14 लाख से ज्यादा प्लस मान लीजिए 15 लाख बच्चों ने भी पेपर नहीं दिया था, मान लो कि 50% ही पेपर देने पहुंचे थे, इस साल तो वैकेंसियां बहुत सारी है, तो पेपर देने और भी कम पहुंच सकते हैं, और इस साल फॉर्म कितने हो सकते हैं, तो अभी तो अपने 1 सितंबर को फॉर्म चालू है, तो पता नहीं है 30 सितंबर तक कितने फॉर्म भरेंगे, अपन एक्सेप्टेड माने तो 32 लाख मान लीजिए मैक्सिमम, 32 में से आप 18 लाख उपस्थित होंगे, और वैकेंसी इस बार थोड़ी ज्यादा है तो आपका नंबर बैठ सकता है। आपने पूरी पूरी कट ऑफ को देख लिया है, अब कुछ नहीं करना, अगर आपको चांस लग रहा है कि सर हम कौन सी किताब पढ़े, कौन सी सब्जेक्ट को किस प्रकार पढ़े, कौन सी सब्जेक्ट को कितने घंटे दे, कौन सी बुक पढ़े, कौन सा मॉक टेस्ट दे, कैसे पहले सर कॉन्सेप्ट पढ़े, बेसिक पढ़े, क्या करें सर, समय बहुत कम है, 70 दिन मैक्सिमम खींचा के हैं,
तो क्या करें 70 दिन में, कैसे तैयारी करें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या क्या आपको कमी लगे, उस पर हम प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। तो आज हमने जो कटऑफ पे चर्चा की वो आपको आसानी से समझ में आई होगी, पुरानी पूरी पूरी कटऑफों को देख के आपने देख लिया होगा क्या सिस्टम है। तो इस चीज को अगर अच्छी लगी हो तो आगे से आगे शेयर करें और हमें बताएं कि सर हमें इस पे वीडियो चाहिए, सर हमें अलग अलग सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी चाहिए, या सर पूरे एग्जाम में कितना क्या करें, कौन सी बुक पढ़े, कौन सा मॉक टेस्ट दे, इन सबको हमको कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम आपको प्रॉपर वीडियो उपलब्ध करवा पाए। आप सजेशन जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।